आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से आज सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों के लिए रायशुमारी कराई जाएगी। मंगलवार को रांची में हुई बैठक में रायशुमारी को लेकर कई दिशा निर्देश दिए गए थे। पहली बार रायशुमारी बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। सभी विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले सभी मंडलों के अध्यक्ष के अलावा कार्य समिति के सभी सदस्य रहेंगे और इस तरह संबंधित क्षेत्र के जिला पदाधिकारी, जिला कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, पूर्व प्रदेश कार्य समिति सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया है। अमूमन एक विधानसभा क्षेत्र में 300 से अधिक सदस्य अपने राय देंगे। बीजेपी नेतृत्व की तरफ से प्रभारियों को एक एक सील बंद बक्सा दिया जाएगा। हर सदस्य को 3-3 नाम लिख करके देना है। कागज पर लिखकर सीधे बंद बक्से में डाले जाए, उसके बाद बॉक्स को रांची ले जाकर के जमा करना है और इसके बाद प्रदेश के नेता रायशुमारी कर नाम शॉर्टलिस्ट करेंगे। अंतिम मोहर आलाकमान लगाएगा। तो नामों को सिल्क बंद बक्से में डाला जाएगा और हालांकि शॉर्टलिस्टेड होगा और उसके बाद अंतिम फैसला आलाकमान होगा। तो प्रत्याशियों के चयन को लेकर के अब बीजेपी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आज राय शुमारी की जाएगी। हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 पर्यवेक्षक बनाए गए। मंडल अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारियों से राय शुमारी होगी। हर सीट से 3 नाम मांगे गए हैं और नामों को सील बंद बॉक्स में डाल करके रांची में जमा किया जाएगा और फिर उन नामों का शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। रुचि तमाम जानकारी के लिए जुड़ चुकी है। रुचि, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? हालांकि प्रत्याशियों को के नाम को लेकर के यहां पर मंथन की जा रही, रायशुमारी की जाएगी और विधानसभा चुनाव नजदीक है। 81 विधानसभा चुनाव सीटों को लेकर के प्रत्याशियों का नाम का यहां पर शॉर्टलिस्टेड करने की भी बात की जा रही है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल निशु, देखिए 81 विधानसभा सीटों को लेकर के 2-2 पर्यवेक्षक को ये जिम्मा सौंपा गया है और ये पूरी तैयारी जो है आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के है। प्रत्याशी चयन को लेकर के कवायद जो है वो शुरू कर दी गई है और कल मंगलवार को हुई बैठक में पर्यवेक्षक के नाम आ गए थे और जितने भी कार्यकर्ता है यानी कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से 3 नाम जो है वो लिए जाएंगे। पार्टी पर्यवेक्षक जो है विधानसभा में पार्टी के बूथ स्तर तक जाकर के कार्यकर्ताओं से प्रत्याशी को लेकर राय लेंगे और उसके बाद 3-3 प्रत्याशियों के नाम लिखित रूप से ले लिए जाएंगे और वो जो सील बंद डब्बा है वो प्रदेश कार्यालय आएगा और उसके बाद प्रदेश कार्यालय में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की जाएगी, रायशुमारी की विस्तार से जानकारी दी जाएगी और उसके बाद अपेक्षित लोगों के नाम के साथ पर्ची भी सौंपे जाएगी। पश्चात इसके देखिए केंद्रीय नेतृत्व इसके बाद तय करेगा। चुनाव समिति की बैठक होगी। चुनाव समिति की बैठक के बाद 3 नाम केंद्रीय नेतृत्व को जाएंगे। केंद्रीय नेतृत्व फिर तय करेगा यानी कि केंद्रीय चुनाव समिति के जो सदस्य होंगे वो एक नाम पर मुहर लगाएंगे। तो ऐसे में आज ये काफी अहम कार्यक्रम जो है वो झारखंड भाजपा की तरफ से रखा गया है। 81 विधानसभा सीटों के लिए कई दिग्गज नेताओं के जो नाम है वो आज दांव पर है, चाहे वो रांची विधानसभा की बात करें या हटिया विधानसभा की बात करें, उसके समेत जो 81 विधानसभा सीट के लिए, क्योंकि कई ऐसे नेता जो हैं इस बात का इंतजार में है कि कार्यकर्ता किन्हें पसंद करते हैं, किन्हें जो है, चूंकि 3 विकल्प रहेंगे कार्यकर्ताओं के पास और 3 नेता के नाम जो है आज सील बंद डब्बे में जाने हैं जी। तो ऐसे में अंदर की गतिविधि भी तेज हो गई है और जो भी दावेदार है विधानसभा सीट से वो अपने अपने पक्ष में समर्थन जुटाने को लेकर के गोलबंद भी दिख रहे हैं जी। ठीक है रुचि, नजर बना रखेगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हर विधानसभा क्षेत्र के लिए 2-2 पर्यवेक्षक को चुना गया है और साथ ही साथ मंडल अध्यक्ष, कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारियों से भी अब रायशुमारी होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।